नमस्कार, मैं अनिल गुंडा, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको मोदी जी क्यों नहीं हटा रहे? मतलब क्या है, दिल्ली की सरकार भले केजरीवाल की जी है, बट दिल्ली की जो भी पुलिस का अधिकार है, जो गृह खाता है, वो तो डायरेक्ट अमित शाह के पास आता है एज अ होम मिनिस्टर देश के होने के कारण। फिर भी शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है वो क्यों नहीं हटा रहे? क्यों पुलिस फोर्स का यूज नहीं कर रहे? हमारे देश में उमन पुलिस फोर्स भी है, इन जैसे शाहीन बाग में जो भी औरतों ने प्रोटेस्ट किया है उसको निकालने के लिए, उसको प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए, फिर भी शाहीन बाग के विरोध के कारण, प्रोटेस्ट के कारण नहीं तो कम से कम 10 लाख लोगों को हमेशा परेशानी हो रही है। ट्रैवलिंग का इश्यू हो रहा है, हर जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को अपने स्कूल में भी जाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, फिर भी मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका सिंपल और सवाल है, दो बातें हैं। एक तो उसका पॉलिटिकली कोई भी एनालाइज कर सकता है, बहुत लोगों को जानी मालूम है कि दिल्ली की अभी जो है इलेक्शन उसके बारे में हो सकता है। दूसरा, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मोदी जी सोच रहे हैं कि हर दिन ये देश के जितने गद्दार हमारे भारत में छुपे हैं उनको हमेशा ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है ना, हर डेली देश के विरोध के नारे लगते जा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आके बोलता है कि हम वो कौम है जो पूरे दुनिया को तबाह कर सकते हैं, एक आके बोलता है कि भारत को नॉर्थ ईस्ट से अलग करना चाहिए, वहां मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं कि भाई मोदी तो कातिल है, वहां बहुत सारे लोग फिर से देश विरोधी नारे लेते हैं। तो मोदी जी का एक ही सोचना है भाई कि पहले तो जितने गद्दार है उनको पता लगाना है। अब पता लगाना कैसा पड़ेगा, एक सिंपल बात है, पता लगाने के लिए हर जगह जाके तो नहीं रहेंगे। शाहीन बाग एक बहुत अच्छा सा माहौल बन गया है, डेली ना डेली कोई ना कोई आके अपना भजन प्रवचन वहां दे जाता है, उससे पता चलता है कि हमारे देश में कितने गद्दार बैठे हैं और उन गद्दारों को निकाल के बाहर कैसे करना है इसका प्रोविजन कर रहे हैं। सीए एक वायरस है जो बाहर निकाल रहा है उन वायरस को, और एनआरसी से उसको डिलीट करना है, मतलब इस वायरस को बाहर निकालना है। अब पता चला मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, देश बचाना है तो मोदी जी को चुनना ही पड़ेगा। दिल्ली की सरकार अगर मोदी जी के हाथ में रही तो सबसे दो फायदा, पहला फायदा कन्हैया कुमार, उमर खालिद दोनों रहेंगे जेल में, देशद्रोह का आरोप लग जाएगा। उसके बाद ये जितनी भी संगठन है भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं उतने लोगों में पोलराइजेशन होगा धर्म के नाम पे, और बीजेपी को उतना फायदा मिलेगा। जो भी है सच बोल रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी। मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा, देश के ऐसे ऐसे मुद्दों पे मैं बातचीत करूंगा, आपको नॉलेज देता रहूंगा जो देश से जुड़े हुए हैं और हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए और देश के तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अनिल सोलंगे हमेशा आता रहूंगा, डेली नहीं आऊंगा, 2-3 दिन में हमेशा आता रहूंगा आपके कम्युनिकेशन के लिए। कैसा लग रहा है अपन? वाह।